तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और साथ ही मेरी रेफरल्स लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रेफरल्स पसंद आती है तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं शूटिंग वीडियोज, पावर वीडियोज, रिव्यू वीडियोज बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप में से कोई भी मेरा दोस्त ऑल ओवर इंडिया किसी भी टाइप की एयर गन, साउंड गन्स, एयर गन एक्सेसरीज की कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पर सिर्फ आपने व्हाट्सअप करना है। और ऐसी कोई भी चीज़ आप ऑल ओवर इंडिया बाय कर सकते हैं, आपके घर तक होम डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है गाइस? तो दोस्तों, बहुत लोग मेरे से पूछते थे, भाई VX100 वर्सेज आर्मर डिफरेंस क्या, बताओ। तो गाइस, पहले मैंने आर्मर तो यूज़ की थी, आर्मर का मैं परस्पेक्टिव बता देता था, पर मैंने VX नहीं यूज़ की थी इसलिए उसका परस्पेक्टिव नहीं बताता था। पर अब मैं अब जो ये गन आप देख रहे हैं नीचे वाली, ये है VX100 स्पार्टन फ्रॉम प्रेसी होल्ड। तो अब मैंने VX100 स्पार्टन बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ की पिछले एक जब से मेरे को मिली है, तब से कम इससे 200 दिन तो शॉट फायर कर चुका हूँ। एंड आर्मर के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है, आर्मर ही ऊपर वाली गन है तो आर्मर के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं आपको एक डायरेक्ट कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, जल्दी से जल्दी कंपैरिजन करके आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी गन बाय करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन है कौन सी गन बाय करनी चाहिए कौन सी नहीं। इसका मैं आपको स्पष्ट आंसर दे दूं, कोई भी आप बाय कर लो आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। दोनों गन्स अगर आप फॉर फन, फॉर प्लिंकिंग बाय करना चाहते हैं तो दोनों गन्स बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहेंगी आपके लिए। कोई भी बाय कर लीजिए, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले। तो इसके लिए कोई भी आप आंखें बंद करके दोनों में से कोई एक खरीद लीजिए, आप निराश नहीं होने लगे। पर अब जो है कंपैरिजन की बात, तो कंपैरिजन चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है पावर। तो गाइज, पावर तो मैंने चला के देखी है एंड कंपनी भी खुद कहती है, हाँ, आर्मर में प्रेसी होल से पावर ज्यादा है। एंड जिनको पावर पसंद है वो आर्मर ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पहली पावर की चीज मैंने क्लियर कर दी। अब गाइज, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जिसको देख के मैंने आर्मर खरीदी थी, वो थी लुक्स। अब गाइज, लुक्स को अगर कंपेयर करें तो प्रेसी होल की गन्स काफी ट्रेडिशनल दिखती हैं। अब मैंने ये वाली गन भी अपने फ्रेंड्स को दिखाई ना, जिनको एयर गन्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि बहुत यूनिक है या बहुत देखने में तो अच्छी लग रही है, फिर भी देखने में तो हर गन अच्छी लगती है, पर उन्होंने ये नहीं कहा यार ये क्या गन है। पर जब मैं आर्मर किसी को दिखाता हूँ ना, न्यू पर्सन को जिसको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसको वो कहता है यार ये असॉल्ट राइफल है क्या है। तो लुक्स के मामले में तो मैं पॉइंट दूंगा आर्मर को, क्योंकि हाँ, लुक्स के मामले में आर्मर बेटर है। वैसे मेरे को अभी तो प्रेसी होल ज्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि मेरे लिए तो न्यू गन है एंड कैमो स्टॉक में तो वैसी बड़ी प्यारी लग रही है। पर अगर लोगों का रिएक्शन देखा जाए तो लुक्स जो है उसका पॉइंट जाता है आर्मर की तरफ, तो लुक्स आर्मर की बेटर है एंड पावर भी आर्मर की बेटर है। ठीक है, अब चीज आई ट्रिगर की। अब मैं आपको बताऊं तो दोनों गन्स, ये हरिकेन 18 है वैसे, एंड हरिकेन 18 का ट्रिगर स्मूथ है, बट प्रेसी होल का ट्रिगर कंपेयर किया जाए तो प्रेसी होल का ट्रिगर मैं कहूंगा कम से कम 30% बेटर है आर्मर से। तो ट्रिगर के मामले में प्रेसी होल बेटर है। तो मैं आप वैसे दोनों गन्स कोई भी खरीदोगे आप बिल्कुल सेटिस्फाई होगे दोनों गन से, पर मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ तो ट्रिगर के मामले में प्रेसी होल ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेफ्टी सिस्टम। तो सेफ्टी सिस्टम दोनों गन्स में है, पर इसमें आर्मर में इंटरनल सेफ्टी एंटी बेयर ट्रैप सिस्टम, पर जो अपनी प्रेसी होल है उसमें एक्सटर्नल सेफ्टी है। तो हर शॉट के बाद आपको सेफ्टी ऑफ करनी पड़ेगी, तभी आपकी गन चलेगी। अब सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो प्रेसी होल बेटर है, बट आई प्रेफर आर्मर की सेफ्टी। पता क्यों? आर्मर में आप जल्दी से लोड करो, गन को चलाओ, आपको कोई भी सेफ्टी नहीं ऑफ करनी पड़ती। प्रेसी होल में पता क्या है, पैलेट लोड करो, मेरे को आदत पड़ गई आर्मर की। अब मैं प्रेसी होल में पैलेट लोड करता हूँ, जब शूट करने लगता हूँ तो ट्रिगर दबता नहीं, मैं कहता मैं सोचता हूँ ये क्या हुआ है, तो मैं देखता हूँ मैंने सेफ्टी तो ऑफ करी नहीं, तो मुझे हर बार सेफ्टी ऑफ करनी पड़ती है जिससे आपकी शूटिंग स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। बाकी जो न्यू शूटर्स हैं उनको शायद प्रेसी होल की सेफ्टी ज़्यादा पसंद आएगी, और इसलिए मैं किसी को भी इसमें पॉइंट नहीं दे सकता, क्योंकि गाइज दोनों में सेफ्टी है, आर्मर में एंटी बेयर ट्रैप सिस्टम है एंड इसमें एक्सटर्नल सेफ्टी है, तो इसलिए मैं दोनों में से किसी को पॉइंट नहीं दे सकता। पर न्यू शूटर के लिए आई थिंक प्रेसी होल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक्सीडेंटल फायर होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, अब चलते हैं वेट एंड लेंथ की तरफ। तो इसमें अगर आपको कॉम्पैक्ट गन चाहिए तो प्रेसी होल ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्पैक्ट गन है एंड इसकी लेंथ भी कम है, इसका वेट भी कम है। सो इस मामले में मैं तो दूंगा अपना जो पॉइंट है, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेंथ और वेट से। अगर आपको बड़ी गन चाहिए, थोड़ी भारी गन चाहिए, तो आर्मर है, इसकी लेंथ प्रेसी होल से ज़्यादा, इसका वेट है 3.6 kg, और जो जो प्रेसी होल है वो थोड़ी हल्की गन है, इसका वेट होगा 3.2 kg, और साथ में इसकी लेंथ भी थोड़ी कम है, और साथ में इसमें पिस्टल ग्रिप वाला डिज़ाइन है, इसलिए थोड़ी जगह भी कम लेती है। तो कॉम्पैक्ट गन देखी जाए तो है प्रेसी होल, पर आर्मर एक तरह से आउटडोर गन है, इसलिए उसका साइज थोड़ा बड़ा है, और इसमें भी मैंने स्पेसर नहीं डाले, नहीं तो इसकी लेंथ और बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
अब कंपेयर करते हैं हम स्कोप माउंटिंग, तो दोनों में स्कोप लग जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आप स्कोप लगा सकते हैं, रेड डॉट साइट लगा सकते हैं, तो इस मामले में दोनों इक्वल है। साइटिंग सिस्टम की तरफ चलें तो साइटिंग सिस्टम दोनों का बहुत बढ़िया है, दोनों के पास रेयर एडजस्टेबल साइट्स हैं, पर जो आर्मर की साइट है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको एलन की चाहिए और प्रेसियोल की साइट को एडजस्ट करने के लिए आपको एलन की नहीं चाहिए, तो इसमें इसमें शायद पॉइंट मैं दूंगा प्रेसियोल को, क्योंकि उसकी साइट को एडजस्ट करने के लिए आपको एलन की नहीं चाहिए। आगे जो मजल अटैचमेंट है, जो फिक्स फ्रंट साइट है, दोनों की लगभग सेम है और दोनों में साउंड कॉर्ड चल जाएंगे, तो इसलिए इसमें भी दोनों सेम है। अब चलते हैं मॉड्युलैरिटी की तरफ। मॉड्युलैरिटी मतलब क्या क्या पार्ट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें मैं पॉइंट दूंगा आर्मर को, क्योंकि गाइस आर्मर में आप इसकी अपग्रेड किट ले सकते हैं और इसको अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चीक रेस्ट लगाया है, बड़ी वाली ग्रिप लगाई है, प्रेसियोल में आप ऐसा नहीं कर सकते, स्पेशली BX100 में तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, सो इसमें आर्मर को पॉइंट मिलता है। और गाइस अगर बात की जाए थोड़ी फंक्शनैलिटी की, तो उसमें आर्मर को पॉइंट देना चाहिए, क्योंकि गाइस आर्मर ने जो इनबिल्ट इसके अंदर स्लिंग माउंटिंग सिस्टम दिया वो बहुत अच्छा है, जिससे आप स्लिंग कोई भी स्लिंग लगा सकते हैं, तो उससे लुक भी बेटर हो जाती है, और आप ज़्यादातर तक उठाएंगे गन तो आप अपनी शोल्डर पे भी रख सकते हैं, पर प्रेसियोल में ऐसा नहीं है सिस्टम, तो इसलिए आर्मर को पॉइंट जाता है। साथ में जो प्रेसियोल का जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी हार्ड है, पर पीछे से थोड़ा ना खोखला सा लगता है, और आर्मर का स्टॉक वो काफ़ी सॉलिड है पर आगे से थोड़ा फ्लिमजी सा है। पर अगर स्टॉक में फंक्शनैलिटी की बात करें, तो अगर मैं स्टॉक की क्वालिटी की बात करूँ ना, तो दोनों लगभग सेम है, क्योंकि आर्मर का जो स्टॉक है वो काफ़ी वेल बिल्ट है, बट आगे से थोड़ा फ्लिमजी है, थोड़ा सॉफ्ट है। जो प्रेसियोल का स्टॉक है वो काफ़ी हार्ड है, बिल्कुल भी हिलता नहीं, पर पीछे से ऐसा लगता है खोखला है, बल्कि स्टॉक दोनों का ही खोखला है, पर आर्मर का जब तक आप पीछे से खोलोगे नहीं ना, पता नहीं लगेगा खोखला स्टॉक की कैसा है, पर प्रेसियोल में आपको डायरेक्टली पता लगता है कि यार ये खोखला स्टॉक है, आवाज़ ही अच्छी आ जाती है ऐसे करने पर, तो इसलिए इसमें मैं किसी को पॉइंट नहीं दे सकता, दोनों के स्टॉक बहुत बेहतरीन है। पर अगर फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो आर्मर का स्टॉक को पॉइंट देना चाहिए, क्योंकि इसमें मैगजीन भी है जिसमें आप कुछ स्टोर कर सकते हैं, इसकी मैगजीन में मैंने अपनी क्लीनिंग किट स्टोर करी हुई है, साथ ही साथ इसके अंदर स्लिंग माउंटिंग सिस्टम भी है जो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी देर तक आप इसको कैरी कर सकते हैं, अपने शोल्डर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैरल की बात की जाए तो दोनों के स्टील बैरल हैं, दोनों के राइफल्ड बैरल हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड पावर प्लांट की बात की जाए तो दोनों में स्प्रिंग से इसको पावर मिलती है, दोनों गन्स में स्प्रिंग है, एंड दोनों गन्स की सिंथेटिक ब्रीच सील है, सिंथेटिक सील है, तो इस मामले में दोनों सेम है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जिसकी जो प्रेफरेंस है वो गन बाय कर ले। अगर आपको थोड़ी सॉफ्ट शूटिंग गन चाहिए ना, जिसकी रिकॉइल कम हो थोड़ी सी और थोड़ी छोटी हो, तो VX ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। पर अगर दोनों गन्स में से कोई भी लो, अब आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देंगी दोनों गन्स में से कोई भी ले लो, पर जो प्रेसियोल है ना वो थोड़ी सॉफ्ट शूटिंग गन है, उसकी रिकॉल थोड़ी कम है, पावर थोड़ी कम है, एंड सेफ्टी सिस्टम है, तो न्यू गन ओनर्स के लिए बहुत अच्छी है। बल्कि जो आर्मर है ना, इसकी थोड़ी रिकॉल ज़्यादा, रिकॉल क्यों ज़्यादा, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा होने की वजह से रिकॉल ज़्यादा होती है, जिससे शूटिंग करने में आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी। एंड जो मैं क्या कहने लगा था, हाँ, तो जो सेफ्टी सिस्टम है वो भी प्रेसियोल में दिया हुआ है, तो शायद न्यू गन ओनर्स को ये ज़्यादा पसंद आएगी प्रेसियोल, क्योंकि सेफ्टी सिस्टम वो प्रेफर करते हैं। बाकी एज सच कोई डिफरेंस जो मैं आपको और बता पाऊँ वो है यार, अब लोग पूछेंगे भाई तुमने कंपैरिजन किया पर हमको बता नहीं कौन सी गन लो, यार जो मन है ना वो गन ले लो, दोनों गन्स आपको सेटिस्फाई करेंगी। एक्यूरेसी के मामले में मैं बोलूँ तो दोनों गन्स को मैंने चला के देखा और दोनों की एक्यूरेसी लगभग सेम है, मैंने सच कह रहा हूँ, मैं दोनों को चला के देखा है और दोनों की एक्यूरेसी मुझे लगभग सेम लगी, मैं जितनी रेंज पे चलाता हूँ वहाँ पे मैंने चला के देखा, एक्यूरेसी सब लगभग सेम है, बट प्रेसियोल चलाने में थोड़ी सी ईजी है। अब ईजी क्यों है, क्योंकि इसका ट्रिगर थोड़ा बेटर है और थोड़ी रिकॉइल कम है, साथ में जो स्टॉक है ना वो एकदम से शूटिंग के लिए बना हुआ है। आर्मर भी एक्यूरेट है, इसका बैरल भी अच्छा है, बट इसकी पावर ज़्यादा, इसलिए इसकी रिकॉइल ज़्यादा है, रिकॉइल ज़्यादा होने की वजह से आपको थोड़ा झटका ज़्यादा लगता है, जिससे आपकी एक्यूरेसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर प्रैक्टिस के साथ आप उसको सबको सॉल्व कर सकते हैं। एंड पावर तो आर्मर में ऑफकोर्स ज़्यादा है, एंड पिस्टल ग्रिप डिज़ाइन है, तो न्यू गन ओनर्स को शायद पिस्टल ग्रिप डिज़ाइन को मतलब एडजस्ट अपने आप को एडजस्ट करने में पिस्टल ग्रिप में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मैं तो इसको लिए पूरी तरह एडजस्टेड हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड हाँ, ट्रिगर वाइज जो ये 18 मॉडल है, 18 का ट्रिगर 16 से बेटर है, बट ट्रिगर के मामले में मैं आर्मर प्रेसियोल को पॉइंट दूंगा, क्योंकि इसका ट्रिगर आर्मर से बेटर है। ओवरऑल दोनों गन्स बहुत बेहतरीन है। एंड अगर फिनिशिंग की बात की जाए, जिनके ऊपर फिनिशिंग है दोनों गन्स के ऊपर, जो आप कहते हैं ब्लूइंग है, तो ब्लूइंग के मामले में मैं कहूँगा जो प्रेसियोल है उसकी जो ब्लैक कलर की ब्लूइंग है काफ़ी अच्छी है,
एंड आर्मर की ब्लूइंग भी लगभग दोनों की ब्लूइंग सेम है, अगर मेंटेन करोगे तो दोनों सही रहेंगी इस फिनिशिंग के मामले में, दोनों लगभग सेम है। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, बिल्ड क्वालिटी की मामले में भी दोनों गन सेम है, मैंने दोनों गन यूज करी एंड बिल्ड क्वालिटी में मेरे को दोनों में किसी में भी कमी नहीं लगी, बिल्ड क्वालिटी भी दोनों की सेम है। एंड जो इसके अंदर दोनों के अंदर स्क्रूज है वो भी एलन स्क्रूज है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आर्मर आपको एलन स्क्रूज का किट साथ में देती है, जो एलन की इसका सेट है वो साथ में देती है, प्रेसियोल में आपको एलन की का सेट अलग से खरीदना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक बात है। बाकी दोनों गन्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिनिशिंग भी अगर आप मेंटेन करेंगे तो दोनों गन्स की सही रहेगी, सो नो प्रॉब्लम। हाँ, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉकिंग एफर्ट, मतलब आपको उसको गन को लोड करने के लिए किस में पावर ज़्यादा लगानी पड़ती है। और हाँ, पावर आपको आर्मर में ज़्यादा लगानी पड़ेगी, एंड इसका रीज़न आपको पता ही है क्योंकि इसका स्प्रिंग थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है तो पावर तो ज़्यादा लगेगी। एंड आर्मर प्रेसियोल में थोड़ी पावर कम लगती है क्योंकि स्प्रिंग भी थोड़ा छोटा है। ओवरऑल दोनों ही बहुत बेहतरीन गन्स हैं, बिल्कुल सेम है, सेम इन द सेंस दोनों से पैलेट फायर होएगा उस हिसाब से तो सेम है। बट आपको एक सिंपल भाषा में बताऊँ तो सब कुछ किस पे आता है, लुक्स पे एंड पावर पे। अगर लुक्स थोड़ी मॉडर्न चाहिए एंड पावर थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आर्मर, अगर थोड़ी सॉफ्ट शूटिंग कॉम्पैक्ट गन चाहिए तो प्रेसियोल। बाकी आप दोनों गन्स में से कोई भी गन ले लो यार, दोनों गन सेटिस्फाई करेंगी। हाँ, रिसर्च तो करो, पर कोई भी गन लोगे आप, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा यार मैं वो वाली गन लेता, दोनों गन जो दोनों गन जिस काम के लिए बनी है वो बहुत अच्छे से कर रही है। सो मैं इन दोनों में से मुझे कौन सी पसंद आई वो मैं नहीं कह सकता, मेरे पास तो दोनों है तो मैं तो दोनों शूट करूंगा। एंड दोनों गन्स ही बहुत अच्छी हैं, सो थोड़ी वीडियो लंबी बन गई आई थिंक, बट बहुत अच्छी गन्स हैं। सो हाँ, थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, 12 मिनट की वीडियो बन गई, पर मैंने आपको सारे डिफरेंसेस बता दिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप लाइक माई वीडियो, सो बाय गाइस। एंड हाँ, एक बार बता दूँ, जो आर्मर का जो बट पैड है वो अपना प्लास्टिक का बट पैड है, पर इसमें स्पेसर डल जाएंगे इसलिए लेंथ बढ़ जाएगी। प्रेसियोल का जो बट पैड है वो है अपना रबर का, पर रबर का है पर इसलिए इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, इसकी लेंथ नहीं आप बढ़ा सकते, तो ये एक बट में भी डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया। एंड जो हाँ, जो प्रेसियोल का है जो ये इसको कहते हैं अपना चीक रेस्ट, वो एडजस्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें आप कुछ भी अटैच नहीं कर सकते। अब आर्मर में आप अगर अपग्रेड किट लगाओगे तो आप इसकी जो चीक हाइट है वो भी एडजस्ट कर सकते हो, तो मॉड्युलैरिटी तो हाँ आर्मर में ज़्यादा है। बाकी दोनों गन्स बहुत ही बेहतरीन है, आई होप इससे आगे कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो और आपको समझ आ गया हो। सो थैंक्स वॉचिंग गाइज, आई होप लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस आप मेरे चैनल पे आते रहेंगे इन दोनों गन्स के रिलेटेड। एंड अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, एंड कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।